हेलो स्टूडेंट्स, आपके फोर्थ यूनिट का ये टॉपिक है सोशल बिहेवियर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्लैक बग। ब्लैक बग आपने देखा होगा ताल छापर वगैरह में, इसको काला हिरन कहते हैं, ये इसका क्लासिफिकेशन है। ओके, इसको एंटीलोप भी कहते हैं। ये देखिए डिस्क्रिप्शन, इमैच्योर बग्स बॉर्न लाइट टर्न डार्क एट मैच्योरिटी। ये जब छोटे होते हैं तो लाइट येलोइश कलर के होते हैं और जैसे जैसे मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं डार्क होते जाते हैं। सिमिलर इन अपीयरेंस टू द डोज, येलोइश फॉन ऑन द अपर पार्ट्स एंड आउटसाइड ऑफ लिप्स। फीमेल में भी ऐसा ही होता है, हल्के पीले रंग का ऊपर का भाग और थोड़ा सा नीचे टांग की तरफ, वाइट ऑन द लोअर पार्ट्स। द टू कलर्स कैन बी शार्पली डिफरेंशिएट, मतलब जो मेल होते हैं वो मैच्योरिटी के साथ इसमें डार्क होते जाते हैं। मैच्योर बग्स ब्लैक एंड वाइट फर, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ब्लैकिश ब्राउन, ऑलमोस्ट ब्लैक इन एवरी ओल्ड एनिमल्स एक्सेप्ट एट द नेप विच रिमेन्स रेडिश ब्राउन। ये पूरा ऑलमोस्ट ब्लैक रहता है, बहुत जो ओल्ड एनिमल्स होते हैं, और गर्दन का अपोजिट तरफ जो होता है वो केवल रेडिश ब्राउन की तरह रहता है। लेटरल एंड इंटीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द नेक अलोंग विद द फेस एक्सेप्ट फॉर अ वाइट एरिया अराउंड ईच आई इज आल्सो ब्लैकिश ब्राउन। ठीक है, ये वाला एरिया जो होगा वो भी ब्लैकिश ब्राउन होगा और आँख के चारों तरफ वाइट एरिया राउंड की तरह पाया जाता है। लॉन्ग स्पाइरलिंग हॉर्न्स अंडर साइड्स एंड इनसाइड्स ऑफ लेग्स वाइट, चिन पैच मोस्ट कलरफुल एट द एंड ऑफ द मॉनसून्स, मतलब मॉनसून के एंड में ये बहुत ज़्यादा कलरफुल हो जाते हैं। फेड इन मिड विंटर, जब मिड विंटर में ये फेड होंगे, एंड आफ्टर द एनुअल माउल्ट टू बिकम ब्राउन बाय अर्ली अप्रैल, जो मार्च अप्रैल इनका ब्रीडिंग पीक सीजन होता है। ये देखिए आप लेफ्ट टू राइट देखिए कैसे मैच्योरिटी का लेवल अचीव कर रहा है, एकदम पहले लाइट है कलर, फिर थोड़ा ब्राउन है, देन डार्क ब्लैक ब्राउन। डज ये जो फीमेल होती है येलोइश फॉन ऑन द हेड एंड अलोंग द बैक, वाइट ऑन द अंडर साइड एंड इनसाइड ऑफ द लेग, एब्सेंस ऑफ हॉर्न्स, फीमेल में हॉर्न्स नहीं होते हैं। ये इसका बायोमेट्रिक है कि मेल का इतना वेट है, फीमेल का इतना है, हाइट और शोल्डर इतना होगा, लेंथ इतना होगा, इस तरह से इसके हॉर्न की भी साइज दी हुई है। ठीक है ना, सेक्सुअल मैच्योरिटी मेल में 3 साल पे होती है, फीमेल में 2 साल पे होती है, गेस्टेशन पीरियड 6 मंथ्स का होता है, और लाइफ स्पैन जो है इसका 18 ईयर्स का, मतलब अच्छा लाइफ स्पैन है इसका। पार्टीशन अकर्स ट्वाइस एवरी 14 मंथ्स, 1 or 2 ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस पर पार्टीशन। नाउ हैबिटेट, हैबिटेट कैसा है इसका, ग्रासलैंड एंड स्लाइटली वुडेड रीजन्स में ये पाए जाते हैं। Restricted to where surface water is available for the greater part of the year, जहाँ पर सरफेस वाटर उपलब्ध होगा पूरे वर्ष पर्यंत। ये देखिए इसका हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पाया जाता है, नेटिव प्लेस इंडिया, रीजनली एक्सटेंड कहाँ कहाँ एक्सटेंड हो चुका है, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में, और कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है इसको, अर्जेंटीना और यूएसए में, टेक्सास में, प्रेजेंट इन महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, एंड अ प्लेस इन सेंट्रल इंडिया। बिहेवियर क्या है इसका, प्रेडेशन डिफेंस होता है इसमें, हायरार्की, एकॉस्टिक कम्युनिकेशन, हर्बीवोर्स, मैटरनल केयर, पॉलीगेमस, प्रिकॉशियल, टेरिटोरियल, एडेप्टर टू रनिंग, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सोशल। हायरार्की कॉलोक्विली नोन एज द पैकिंग ऑर्डर
Animals at the top of the hierarchy ladder aggressively dominate those that rank below in order to retain access to resources such as food, mates or safe places to sleep. मतलब ये जो सारे resources होते हैं और ये hierarchy में जो top animal होगा वो एकदम aggressively dominate होगा. Acoustic communication क्या होता है? Males grunt which is peculiar to them. मतलब मेल जो है गुर्राते हैं. ग्रंट व्हेन एक्साइटेड, जब ये एक्साइटेड होते हैं तो गुर्राते हैं. और फीमेल्स हिस व्हेन अलार्म, जब वो अलार्म होते हैं तो हिस की आवाज़ निकालते हैं. पॉलीगेमस, मेल जो होगा वो पॉलीगेमस होगा. द मेल मेट्स विद न्यूमेरस फीमेल्स बट नॉट वाइस वर्सा. दिस लीड टू फिस कॉम्पिटिशन अमंगस्ट द मेल्स. Many males fail to impress any female and remain unmated throughout their lives. ये बहुत इसमें देखो अलग सी बात है कि जो मेल फीमेल को इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं दे रिमेन अनमेटेड थ्रू आउट देयर लाइफ्स. मेल्स रिमेन सेक्शुअली एक्साइटेड थ्रू आउट द ईयर. मेटिंग अकर्स थ्रू आउट द ईयर दो द रिप्रोडक्टिव पीक्स आर इन मार्च अप्रैल एंड अगस्त अक्टूबर. ये इनके रिप्रोडक्टिव पीक होते हैं. Males approach with prancing steps, curled tail and swollen averted preorbital glands while emitting throaty grunts. ये देखिए मेल पैरेलल वॉक और ये फीमेल के सामने अपने आप को डिस्प्ले कर रहा है. ये कोर्टशिप. टेरिटोरियल, मेल डिफेंस ए डिफेंड एरिया रेंजिंग 1.5 to 15 hectares. दे मे अलाउ फीमेल्स टू पास थ्रू. यंग बक्स एंड मेल्स विदाउट टेरिटरीज मे फॉर्म देयर ओन ऑल मेल ग्रुप्स. जो यंग बक्स होते हैं वो अपना ग्रुप बना लेते हैं मेल. अपॉन हिटिंग मैच्योरिटी दे मे स्प्लिट टू एस्टेब्लिश देयर ओन टेरिटरीज. जब वो मैच्योरिटी के आसपास पहुँचने वाले होते हैं तो वो अपना स्प्लिट कर लेते हैं अपना टेरिटरी स्थापित करने के लिए. मार्क देयर टेरिटरीज विद डंग मिडन्स एंड स्टिकी ब्लैक प्री ऑर्बिटल सेक्रेशंस डिपॉजिटेड ऑन ग्रास ब्लेड्स एंड बुशेस. ये इस तरह से अपने डंग के द्वारा और ये स्टिकी जो सेक्रेशन होता है इसको डिपॉजिट करके अपना टेरिटरी डिफाइन कर लेते हैं. सोशल, डज जनरली ट्रेवल इन स्मॉल हर्ड्स ऑफ 10 to 30. जो फीमेल्स होती है वो ग्रुप में रहती है हर्ड के रूप में 10 to 30 तक होता है. समटाइम्स द हर्ड साइज में इंक्रीज टू 50 विद अ सिंगल बक विच में अकंपनी देम. कभी कभी इसकी संख्या इसमें 50 भी हो सकती है. इमेच्योर बक्स एट टाइम स्टे विद दीज हर्ड्स बट आर इवेंचुअली ड्रिवन आउट बाई द ओल्डर बक टू फॉर्म देयर ओन टेरिटरीज. ये जो इमेच्योर बक्स होते हैं कुछ समय तक ये इनके साथ ही रहते हैं हर्ड के साथ और फिर ये जो ओल्डर बक्स होते हैं उनके द्वारा भगा दिए जाते हैं अपना दूसरा ग्रुप बनाने के लिए और अपनी टेरिटरी बनाने के लिए. ये देखिए बैचलर हर्ड, ये हर्ड ऑफ फीमेल्स. एडेप्टेड टू रनिंग, ये भागने के लिए एकदम सक्षम होते हैं. वन ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल है ये. स्पीड होती है इसकी 80 km/h. कैन ओनली बी आउट रन बाय द चीता, केवल चीता के द्वारा ये मतलब हरा सकता है चीता इसको. अदर बिहेवियर्स, रटिंग, स्पेरिंग एंड फाइटिंग विद देयर हॉर्न्स. रट एज फॉर्म टू प्ले टू एग्जिबिट डोमिनेंस एंड ब्रीडिंग प्रिविलेज. रटिंग एक तरह का इसका ये ब्रीडिंग बिहेवियर है. ये सेक्सुअल जो डोमिनेंस राउंड ईयर का जो पीक होता है. मोस्टली सेडेंटरी, मोस्टली सेडेंटरी में मूव लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ वाटर एंड फूड इन समर. एक्टिव थ्रू आउट द डे ड्यूरिंग द कूलर मंथ्स. एक्टिव ओनली इन द मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून व्हेन द टेम्परेचर इज हाई. ठीक है, मतलब पानी और फूड की तलाश में दूर दूर तक चले जाते हैं और ठंडे मौसम में ये केवल
पूरे टाइम ही एक्टिव रहते हैं, और जो गर्मी का सीजन होता है उसमें केवल मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून में ही ये एक्टिव रहते हैं. स्प्रिंग इनटू द एयर एंड बाउंड ऑफ वन आफ्टर इट आफ्टर द अदर व्हेन फाइटिंग और व्हेन फर्स्ट मूविंग ऑफ कंसील देमसेल्व्स एडमिट द ग्रास व्हेन वाउंडेड फॉन यंग फॉन्स आर कंसील्ड इन दिस मैनर फ्रॉम प्रीडेटर्स. इस तरह से अपने आप को छुपा लेते हैं एनवायरनमेंट में, कंसील कर देते हैं प्रीडेटर्स से या शिकारियों से बचने के लिए. ये देखिए, टू मेल्स अबाउट टू फाइट, टू फाइटिंग मेल्स. ये देखिए, थैंक यू. ये आपका फुल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. ओके स्टूडेंट्स.